नमस्ते स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जेवियन अक्षा भाटी फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस. स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट हाइजीनिक प्रैक्टिसेस इन फूड प्रोसेसिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्लास बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर 8. स्टूडेंट्स, एज यू नो व्हाट इज हाइजीनिक प्रैक्टिसेस इन फूड इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग. This is basic step or for a success it is very necessary. Why? Because hygiene practices decide the food quality, food sustainability and the product selling and marketing. The hygienic practices means during processing we are taking what steps to become them incontaminated, uncontaminated from the spoilage. Because if you are not hygiene, the products become spoiled or with microbial growths. So it is very necessary to practice hygiene and making hygiene conditions around the working area. Hygienic practices in food processing industry are of two types. First, hygienic practices of building equipments, machinery, and second one is personal hygiene during processing or during handling the products. So students, first come machinery and site hygiene. Cleanable to the microbial level, मतलब जब भी हम इंडस्ट्री के अंदर मशीनरी यूज करते हैं या साइट यूज करते हैं, उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन, बैक्टीरिया, फंगल काफी हो सकता है, तो हमें उसको क्लीन करना चाहिए. जितने भी मटेरियल्स हैं उनको हमेशा क्लीन रखना चाहिए. इसके लिए हमें इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए और मशीनरी के मेंटेनेंस करना चाहिए, थोरली उनकी क्लीनिंग सैनिटेशन करना चाहिए. नो प्रोडक्ट और लिक्विड कलेक्शन, किसी भी चीज में कोई भी प्रोडक्ट का लिक्विड कलेक्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कंटेमिनेशन होने के चांसेस रहते हैं. आपके कोई भी मशीनरी है जिसको आप रेगुलर यूज कर रहे हो, उसको यूज के बाद हमेशा क्लीन करना चाहिए. उसके कोई भी एरियाज में, होलो एरियाज को हर्मेटिकली सील रखना चाहिए. कोई नीचे कोई गड्ढा नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो उसी से नया माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह डेवलप हो सकती है. देन सैनिटरी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, हाइजीनिक डिजाइन of maintenance enclosures, hygienic compatibility with other plant systems, validate cleaning and sanitizing protocols. Students, as you know कि हम जब भी machinery को use करेंगे और उनको clean करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जब तक वो clean नहीं होगी उसमें growth, microbial, fungal, अलग अलग types की growth बनती रहेगी और वो products को भी affect करेगी. और finally जब हम products को sell करेंगे तो वो उसकी अंदर ग्रोथ जैसे ही उसको नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल ग्रोथ मिलेगी वो ग्रोथ होती रहेगी और वो सारा कंटामिनेटेड हो जाएगा. तो इसके लिए जहां पे हम काम कर रहे हैं वो साइट और जो भी मशीनरी हम यूज में ले रहे हैं उसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए, उसको मेंटेन रखना चाहिए और सैनिटाइज टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए. इनकी पूरी साइट में कहीं पर भी आपके होल्स वगैरह नहीं बनने चाहिए, और बन रहे हैं तो हमें उसको प्रॉपरली हील्ड कर देना चाहिए, सील्ड कर देना चाहिए. Then cleaning कैसे करेंगे? Establish cleaning and disinfection programs to ensure the correct hygiene standards are met and reduce the risk of the foodborne illness outbreak. This includes properly, मतलब आपको अगर कोई भी cleaning और disinfection करना है, machinery चलानी है, system चलाना है, तो उसका program होना चाहिए जो कि ये ensure करे कि आपकी correct hygiene standards मेट हो रहे हैं, जो फूड बॉर्न डिजीज हो रही है वो रुक रही है, उसका रिस्क रिड्यूस हो रहा है. तो उसके लिए क्या जरूरी है? दिस इंक्लूड्स प्रॉपरली क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग फूड प्रिपरेशन एरियाज. जितने भी एरियाज है जहां फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपरेशन चल रही है वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए. जितनी भी मशीनरी है प्लस यूटेंसिल्स है जो भी आप फूड प्रोसेसिंग के दौरान यूज कर रहे हैं उन सबको क्लीन करना चाहिए. नहीं तो अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकते हैं और वो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, सेलिंग के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव फीडबैक होगा. तो इसलिए हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए और ये इकोनॉमिक लॉस भी करेगा. एडहेरिंग टू द करेक्ट क्लीनिंग प्रोसेसेस विल आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेस्ट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ हमें कुछ ऐसी चीजें, ऐसे भी पेस्ट होते हैं उनका भी ध्यान रखना है, जैसे कि रोडेंट्स, फ्लाइज, कॉकरोचेस. जब हम फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं या वो जो एरिया है
क्योंकि इन जो ये इंसेक्ट्स होते हैं इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है ब्रीडिंग की, और ये यहाँ पर अगर ब्रीडिंग कर देंगे और लार्ज नंबर ऑफ बढ़ेंगे तो हमारे कंटामिनेशन और फूड बॉर्न डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट भी स्पॉइल हो सकता है, जो कि हमें इकोनॉमिक लॉस तक लेके जा सकता है. सेकेंड वन इज पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन मीन्स हमें हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि जब भी हम कुछ काम करने जा रहे हैं, प्रोसेसिंग हैंडलिंग कर रहे हैं, तो हमारे हैंड वॉश प्रॉपरली हो और टाइम टू टाइम हम हैंड वॉश करते रहें. मिनिमाइज हैंड कॉन्टैक्ट. सबसे पहले आपको ट्राई ये करना चाहिए कि हम जो भी फूड को प्रोसेस कर रहे हैं उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैंड का नहीं हो, क्योंकि हैंड में हमारे वॉश करने के बाद भी कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज रह जाते हैं जो कि बाद में इलनेस का कारण हो सकते हैं. तो कभी भी रॉ फूड इसके लिए एप्रोप्रिएट यूटेंसिल्स और डिस्पोजल ग्लोव्स वगैरह का यूज करना चाहिए. पर्सनल हाइजीन के अंदर हम पर्सनल खुद की बात करें तो हमारे हेयर्स कवर होने चाहिए, हमें उनको टाई अप प्रॉपरली करके रखना चाहिए, हेयर को कवर नेट से प्रॉपर टाई रखना चाहिए, करते वक्त कभी भी स्नीज नहीं करना चाहिए, कफ नहीं करना चाहिए, अपने अगर हाथ में कोई सोर्स है, कोई कट्स है, तो हमें वो भी उनको प्रॉपर कवर रखना चाहिए, क्योंकि सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सोर्स बन सकते हैं. देन डू नॉट वियर ज्वेलरी. जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको ज्वेलरी नहीं पहननी है, बिकॉज इन ज्वेलरी स्मॉल पोर्स कैन बी मेड अ रीजन फॉर डेवलपिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वियर प्रोटेक्टिव क्लोथ्स. हमेशा काम करते वक्त हमको प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहनने चाहिए, ताकि हम अप्रोप्रिएट अगर हम हैंडलिंग करेंगे तो कंटामिनेशन होने के चांसेस कम रहेंगे. एप्रिंस हमें हमेशा वियर करना चाहिए. देन एक्सक्लूड इल स्टाफ और स्टूडेंट्स. जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको किसी भी तरह की इलनेस है, कोई भी बीमारी है, लाइक वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, कफिंग है, स्नीजिंग है, या कफ कोल्ड्स कुछ भी है, तो उनको हमें प्रॉपर प्रिपरेशन के टाइम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो हमें सोर्स बन सकते हैं आगे इलनेस के या प्रोडक्ट्स के. देखिए, फर्स्ट यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाइजीन प्रैक्टिसेस में द वुमेन्स आर वियर प्रॉपर कवरिंग ऑफ हेयर विद प्रॉपर कवरिंग ऑफ नोज एंड मास्क एंड ऑल्सो ग्लोव्स आर दे आर वियरिंग आफ्टर सॉर्टिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ द वेजिटेबल्स. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइजीन प्रैक्टिसेस ऑफ पर्सनल हाइजीन. देन सेकेंड कम पर्सनल हाइजीन एसेंशियल्स क्या क्या है. जब हम अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं फूड सेफ्टी के लिए, तो आपके हैंड्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, ग्लोव्स पहने हुए होना चाहिए. सेकंड फोटो में हम देख रहे हैं हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए, नेल्स कभी बड़े नहीं होने चाहिए, नेल्स हमेशा कट रहने चाहिए, हेयर आपके हमेशा क्लीन एंड टाई किए हुए हों और उनपे हमेशा हेयर कैप्स होनी चाहिए. डू नॉट कफ स्नीज और टच योर माउथ एंड नोज. जब आप वर्क कर रहे हैं तो आपको कभी स्नीज नहीं करना है, कफिंग नहीं करनी है, अपने माउथ को टच नहीं करना है. देन डोंट स्मोक, डोंट ईट फूड्स ड्यूरिंग वर्क, डोंट वेयर ज्वेलरी. अगर आपके कोई कट्स हैं तो उनपे वाटरप्रूफ ड्रेसिंग होनी चाहिए. देन डोंट वियर स्ट्रॉन्ग आफ्टर शेव और परफ्यूम्स, बिकॉज उस परफ्यूम को फूड प्रोडक्ट्स के अंदर वो जा सकती है. देन नो फैक्ट्री क्लोथ्स आउटसाइड. जो भी आप फैक्ट्री के अंदर इंडस्ट्री के अंदर क्लोथ्स पहन रहे हैं उनको बाहर लेके ना जाएं. और अगर आपको कहीं पे भी रोडेंट्स फ्लाइज वगैरह दिख रहे हैं तो उसको हमेशा रिपोर्ट करें और उनको क्लीनिंग और अनकॉन्टामिनेट करने की कोशिश करें, बिकॉज बेड हाइजीन लीड्स टू बेड प्रोडक्ट्स. इट इज वेरी एसेंशियल. देन कम टू हाउ टू सर्व फूड हाइजीनिकली. गुड पर्सनल हाइजीन के लिए आपका हैंड वॉश होने चाहिए, ज्वेलरी वेयर नहीं होनी चाहिए, हेयर टाइज होने चाहिए. दीज आर द फूड प्रोसेसिंग एंड ड्यूरिंग हैंडलिंग द फूड और सर्विंग द प्रैक्टिसेस. ऑलवेज डोंट टच दी आपका जो भी फूड प्रोडक्ट है उसको डायरेक्ट टच मत कीजिए. स्पून्स, हैंड ग्लव्स, एनी फॉक्स, इन सब चीजों को आपको यूज करना चाहिए. सो द क्लास इज कंक्लूडेड टूडे. आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड वेल. This session was empowered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. Thank you, students. Today, all over, this is hygiene practices. Thank you very much.